इष्ट देव झूलेलाल जी का चेटी चंद महोत्सव इस वर्ष 2 अप्रैल को बड़े ही श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाएगा, जिसे लेकर समाज जनों में खासा उत्साह है। गणेश जी के पर्व की तर्ज पर भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा की स्थापना सिंधी समाज के लोगों द्वारा घर घर की गई है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिंधी संस्कृति व धर्म का प्रचार तथा युवा पीढ़ी को समाज के तीज त्योहार और पर्व से जोड़ना तथा सामाजिक एकता स्थापित करना है। विशेष उल्लेखनीय कि सिंधी जनरल पंचायत व क्षेत्रीय पंचायतों के नेतृत्व में झूलेलाल जयंती उत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है तथा पिछले एक महीने से मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण गोंदिया के कारागिरों द्वारा किया जा रहा है। मूर्ति स्थापना हेतु पंजनीय लगभग 1000 समाज बंधुओं ने कराया। बाबा गुरुमुखदास सेवा समिति के सेवादार मनीष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया, गोंदिया शहर में घर घर में पूजन हेतु भगवान झूलेलाल जी की 748 प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को लाल कपड़ा, नारियल, पखर, जनेऊ, आरती पुस्तिका के साथ प्रदान की गई है। उनके श्रद्धालु बैंड बाजों के साथ प्रतिमा स्थापना हेतु पहुंचे। गोंदिया के अलावा आसपास के शहरों में बालाघाट में 108, नैनपुर में 48, तिरोड़ा में 53 प्रतिमाएं स्थापन व पूजन हेतु गोंदिया से भेजी गई। इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन की तर्ज पर स्थानीय सिंधु स्कूल ग्राउंड पर रविवार 3 अप्रैल को सिंधु फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा इको फ्रेंडली मूर्ति विसर्जन का आयोजन भी किया गया है। शंकर चौक पर वरुण देवता झूलेलाल जी की विशाल प्रतिमा स्थापित। बाबा गुरुमुखदास सेवा समिति द्वारा सिंधी कॉलोनी के शंकर चौक पर वरुण देवता झूलेलाल जी की विशाल प्रतिमा विधिवत पूजा अभिषेक के साथ मंगलवार को स्थापित की गई। विशेष अभिषेक पूजन का कार्य पंडित विकी महाराज द्वारा संपन्न कराया गया। BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।